ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? ईद उल अजहा के इस शुभ दिन पर मैं सभी देश के मुस्लिम भाइयों को पुंछ के पाटोंगे से मुबारकबाद देता हूं और खुशी की बात है कि हजरत इस्लाम अली इस्लाम के बेटे इस्माइल की कुर्बानी के याद के बीच आज जो है ईद देश की बीच और विदेश की बीच बड़े जोर से मनाई जा रही है। और देखिए हमारे पुंछ का जो है, आप देख ही रहे हैं कि पुंछ का जो भाईचारा है ये हमें विरासत में मिला है, हमारे बुज़ुर्गों की पहचान थी, यही हमारी एक शान है और यही हमारी बहुत बड़ी ताकत है, इसको लेकर हम चलेंगे। और मेरी नौजवानों से यही प्रार्थना है कि हमें सबको एक प्लेटफार्म पर आना चाहिए, देश की किसी भी स्टेट के बीच कोई ऐसा मसला बनता है उस मसले को लेकर हमें अपने जम्मू कश्मीर यूटी खासतौर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बीच है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि हमारा जो भाईचारा है ये हमारी विरासत में मिला है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से, एसएसपी पुंछ की तरफ से जो यहाँ पर जो है हर चौराहे के बीच, चाहे मेन रोड हो, पुंछ हो, मंडी हो, वहाँ पर जो सिक्योरिटी के पूरे बंदोबस्त किए गए और बड़ी अमन व चैन से यहाँ पर जो है नवाजदा की गई है। मैं एक बार फिर अपने समाज सेवा सोसाइटी पुंछ की तरफ से सभी मुस्लिम भाइयों को मैं ईद की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जय इस पवित्र अवसर पर मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ओर से तमाम मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उनका ये मुकद्दस त्यौहार खुशियों भरा रहे, पीसफुल रहे जे सारा डिस्ट्रिक्ट में, और उनके परिवार, उनके जो नज़दीकी लोग हैं सभी को ये त्यौहार खुशियां लाए और अपनी अपनी परिवारों के साथ वो अच्छी तरह से ये त्यौहार मनाएं। सभी का शुक्रगुजार भी हूं कि एक बहुत ही डिसिप्लिन के साथ जितने भी पुंछ के निवासी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को अपनाए हुए हैं, लेकिन साथ मिलके जो सभी त्यौहारों को मनाते हैं, एक अलग ही किस्म की जो है पुंछ में लुक होती है, उसके लिए मैं सभी पुंछ के निवासियों को तहे दिल से मुबारकबाद भी देता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं।